दोस्तों वीवो जीवन एक्स और रियलमी एक्स टी को लेकर के बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में कि हमें कौन सा स्मार्टफोन लेना चाहिए। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे मुझे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में वीवो जीवन एक्स और रियलमी एक्स टी का एक फुल कंपैरिजन देने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर तरीके से समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा अच्छा फ़ोन है जो आपको बाय करना चाहिए। जानना चाहेंगे इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा विनर स्मार्टफोन है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इन दोनों की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से लेकर के, तो वीवो जीवन एक्स में आपको बैक में 3 कैमरे आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लास्टिक की बॉडी के साथ आएगा। फ्रंट में आपको 3D का कर्व ग्लास आपको देखने को मिल जाएगा। यही मैं बात करूं यहाँ पे रियलमी एक्स टी की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे देखने को मिल जाएंगे बैक में, साथ ही साथ इसका जो बैक दिया गया वो ग्लास दिया गया है। जब फ्रेंड्स ये Realme का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो ग्लास की बॉडी के साथ आ रहा है, क्योंकि Realme के जितने भी फोन आते थे वो प्लास्टिक की बॉडी के साथ आते थे। इस स्मार्टफोन में आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है बैक और फ्रंट दोनों में ही। तो आप कह सकते हैं Realme एक्स टी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में क्लियर तरीके से विनर है। और दोस्तों अब बात करना चाहेंगे हम लोग इन दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में, तो Realme एक्स टी में आपको 6.4 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आपको नॉच डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही साथ डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलता है। वही मैं बात करना चाहूँ Vivo जीवन एक्स की डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 6.38 इंच की नॉच डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। ये डिस्प्ले भी आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, साथ ही साथ इस डिस्प्ले में भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो दोनों की डिस्प्ले बिल्कुल सिमिलर दी गई है, तो मैं किसी एक को विनर नहीं ठहराना चाहूंगा यहाँ पे। वैसे दोस्तों अगर आप कोई ऐसा स्मार्टफोन देख रहे हैं जो 15,000 रुपए की प्राइस में आता है और आप कंफ्यूजन में है, तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने top 5 स्मार्टफोन की वीडियो बनाई है जो 15,000 रुपए के आते हैं। आई बटन में लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आप जाकर के वहां से चेकआउट कर सकते हैं और आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपके लिए 15,000 रुपए का कौन सा स्मार्टफोन है जो अच्छा रहे। और दोस्तों अब बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इन दोनों फोन की बैटरी के बारे में, तो मैं आपको बता दूं रियलमी एक्स टी में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, 3.5mm का ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, 20W का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। वही मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे Vivo जीवन एक्स की बैटरी के बारे में, तो यहाँ पे आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, 3.5mm का ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छी बात यह है कि 22.5W का इसमें आपको फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, वही Realme एक्स टी में 20W का मिल रहा है, यहाँ पे 22.5W का देखने को मिल रहा है। तो आप बैटरी के मामले में कह सकते हैं Vivo जीवन एक्स क्लियर तरीके से विनर है, क्योंकि इसमें आपको 4500mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। वैसे दोस्तों अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगता है ये चैनल आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे इस चैनल पे ऐसे ही स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियो लेकर के आता रहता हूँ और आपको अपडेट करता रहता हूँ। और दोस्तों अब वक्त हो गया है सबसे बड़ा कंपैरिजन करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ कैमरे को लेकर के। अगर मैं बात करूं यहाँ पे Realme एक्स टी की, तो इसमें आपको बैक में क्वाड कैमरे देखने को मिल रहा है, 64 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है, 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का 4 कैमरा सेंसर दिए गए। मैं आपको बता दूं इसमें सैमसंग के GW1 सेंसर यूज किए गए हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे Vivo जीवन एक्स की कैमरे की, तो यहाँ पे आपको बैक में 3 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, 48 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का प्लस 2 मेगापिक्सल का। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको सोनी का IMX586 वाला सेंसर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे क्लियर तरीके से कह सकते हैं Realme एक्स टी बैक कैमरे के मामले में क्लियर तरीके से विनर है। लेकिन रुको, पहले ये भी तो सुन लो कि फ्रंट कैमरे में कौन ब्लर है। जी फ्रेंड्स, वही Realme एक्स टी में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, वही Vivo के जीवन एक्स में आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला है। तो आप कह सकते हैं सेल्फी के मामले में Vivo का जीवन एक्स विनर है। तो अगर आपको सेल्फी का ज़्यादा शौक है तो Vivo के जीवन एक्स की साइड जा सकते हैं। अगर आपके लिए सेल्फी ज़्यादा मायने नहीं रखती है, बैक कैमरा ज़्यादा मायने रखता है, तो आप Realme एक्स टी को भी विनर कह सकते हैं। मैं यहाँ पे क्लियर तरीके से एक नहीं बताऊंगा कि आप कौन सा स्मार्टफोन लें कैमरे के सेंसर को लेकर के, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, तो आप जिसकी साइड भी जाना चाहें आप जा सकते हैं। और दोस्तों अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे रैम वेरिएंट और प्राइस की, तो मैं आपको बता दूं
Realme XT में आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4GB, 64GB, 6GB, 64GB और 6GB, 128GB। वहीं Vivo के G1 X में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB, 64GB, 6GB, 128GB। लेकिन प्लस बात यह है, Realme XT में आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से सारे स्मार्टफोन में होना चाहिए। वहीं Vivo के G1 X में आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिलेगा, मतलब दो सिम और एक चिप आप नहीं लगा पाएंगे Realme XT में, लेकिन आप ऐसा कर पाएंगे। और दोस्तों, नाउ द टाइम हैज कम इन दोनों की प्राइस को रिवील करने का। तो मैं Realme XT के बेस वेरिएंट की बात करूं, 4GB 64GB वाले की जो प्राइस है वो 15,999 है। वहीं Vivo G1 X की 6GB 64GB वाले की प्राइस है वो 16,999 है। मतलब दोनों ही फोन में आपको ₹1,000 का डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। लेकिन प्लस बात यह है कि इसमें आपको 6GB 64GB मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट नहीं मिल रहा है, उसमें आपको SD कार्ड का स्लॉट मिल रहा है। तो आप SD कार्ड के स्लॉट की साइड जाना चाहते हैं, क्योंकि आप रेम वेरिएंट को ज्यादा महत्व देते हैं, तो आप Realme का XT परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से कौन सा अच्छा स्मार्टफोन है। तो अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे तो मैं यहां पे क्लियर तरीके से Realme XT को विनर कहना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपको 64 का प्राइमरी सेंसर देखने को मिल रहा है, वो भी क्वाड कैमरे के साथ आ रहा है, सैमसंग का GW1 सेंसर देखने को मिल रहा है, और बैक में और फ्रंट दोनों ही साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन देखने को मिल जाती है, जो कि Vivo के G1 X में नहीं देखने को मिलती है। तो अगर आप चाहें तो Realme XT को परचेस कर सकते हैं, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे तो। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको Vivo G1 X Realme XT की ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई होगी और आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा फोन खरीदना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना अभी से लाइक, अगर आपको लगता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर से प्रेस करना, ताकि मेरे सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड टाइम।